ये वाकई है, लेकिन अगर अप्लाई मैं शादी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ तो बता। पता चला उसके 23 बच्चे हैं। 31 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। मतलब 23 और 10, 11, 10 बच्चे भी भड़क जाता था। पता चला यार, आप वो जो पीछे खड़ा है उसका बेटा है। बेटा है वो उसका? हाँ, बेटी है कोई? आप अमीर होना चाहते हैं? पीछे शादीशुदा है? हाँ, 5-6 शादियां हैं शेख की, छठी भी कर सकते हैं। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं, मैं हूं फैसल। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा जवेरिया, जिस तरह आपने हाय किया है, मुझे लगा है कि आज हमने जो एनिमल देखी है तो ये तबाक मुझे आएगी। तो थोड़ा सा मैं परेशान हूं और थोड़ा सा मुझे लगा है कि कहीं मतलब के वो वाला वाइब वाले आई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बचत हो, बचत हो। तो उम्मीद करते हैं इस रिएक्शन की जो फैमिली है वो ठीक होगी। क्या चल रहा होगा इनका जिंदगियों में, मतलब कि क्या कर रहे हो? खुश है, सब खुश है, चिल कर रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं। और एक बड़ी, ये मुकेश अंबानी के बहुत फैंस हैं, बहुत फैंस हैं, नीता अंबानी के बहुत फैंस हैं। नीता अंबानी तो खैर मुझे भी बहुत प्यारी लगती है, शी इज वेरी प्रिटी, प्यारी। तो आपने तो उनके फिर घर और बैग और कलेक्शंस उनको देखा है, तो वो आपकी वीडियो बहुत लोगों ने पसंद की भाई, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन आज हमारे पास कंपैरिजन है मुकेश अंबानी का और दुबई शेख, जो कि मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है, और इनकी एज 74 इयर्स ओल्ड है। और जब मैंने इन पर लिखा था ना विकिपीडिया पे, तो ये 74, तो मतलब दोनों साइड पे ही पैसा ही पैसा है, उधर भी पैसा ही पैसा है, इधर रूलर ऑफ यूएई है। और वो तो पता है कि अंबानी के जितने बिजनेसेस हैं वो तो हम सबको, अंबानी साहब ने कोई बिजनेस नहीं छोड़ा। आप वो वीडियो देखी थी ना, आप थे हाँ, तो पूरा घर देखा था, हमने मिलके घर भी देखा था। तो लेकिन आज देख रहे हैं वर्सेस हो रहा है, कंपैरिजन कौन ज्यादा। सिर्फ एक साइड की बात हो रही थी, अब थोड़ा सा वर्सेस वाला है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा सस्पेंस। और आजकल तो बात भी इंडिया और यूएई की हो रही है, यूएई की हो रही है, तो हर जगह पे ये चल रहा है। तो वीडियो को देखते हैं, वीडियो के देखने के बाद जो है ना वो अपनी बहुत सारी मजेदार बातें आपसे करेंगे। आज मुझे गरीब फील ना कराएं, बस ये वीडियो वाले, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम नहीं सुना होगा। इन दोनों का ही नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। मुकेश अंबानी वर्सेस दुबई शेख, मनी मनी। कोई अगर हमें ये कहे कि ये इंसान बहुत अमीर है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि उसके पास आखिर कितने पैसे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और मुकेश अंबानी के पास मौजूद पैसों पर एक नजर डालते। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी। अब ये सब तो जानते ही है कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शुमार है। सोर्सेस की माने तो मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए। एक दिन की कमाई, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सालाना इनकी कमाई कितनी ज्यादा होगी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 मिलियन, पैसा ही पैसा, यानी 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत के मालिक है। एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा तो सिर्फ और देखें ड्रेसिंग और चलना फिरना, 2000 रुपए गिर जाए तो उसको उठाने के बजाय वो तब तक 50,000 रुपए और कमा लेंगे। वही अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें तो अनुमान है कि वो सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जल्दबाजी में कोई नतीजे पर पहुंच कर छोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी को जीता कोशिश कर, छोटा भाई कहते हैं। दरअसल जब फोर्ब्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया था, तो शेख काफी गुस्सा हुए और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास फोर्ब्स के द्वारा अनुमान लगाई हुई संपत्ति से 10 गुना से भी ज्यादा पैसे, जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है। वैसे ही बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी काफी गुप्त है और इसका पता सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े कुछ खास लोगों को ही है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसा है, गलत हो गया। सोर्सेज ऑफ इनकम,
अगर मुकेश अंबानी कमाई की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे जहन में जगह जगह पर मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप पेट्रोल आने वाली सात पीढ़ी बिना कुछ काम किए बड़े आराम से अपनी जिंदगी मैं भी पैदा हो जाऊं गलत जगह पैदा पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते और अगर इनकी कमाई की बात चल रही है तो कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को कैसे बोल सकते हैं जियो जियो सिम नेटवर्क कुछ ऐसा चस्का लगाया कि कभी बंद ही नहीं होने वाला है और इसके कारण मोटा भाई हो गए हैं और भी ज्यादा मालामाल। ऐसा बताया जाता है कि मुकेश अंबानी की इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही इनकी इनकम लगभग 1,50,000 करोड़ बात तो हजारों की और करोड़ों की और लाखों की मैं जा रही हूँ मैं भी उठ रहा हूँ पैसों की बरसात होती रहती है। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है। सिक्योरिटी अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी। अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ वक्त जेड प्लस सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। इतना ही नहीं इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। अंबानी हर वक्त करीब 15 से 17 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। वहीं अगर दुबई के शेख की सिक्योरिटी के बारे में जाने तो इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी है कि यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता है। सही बात है। एक कारण ये है कि शेख साहब कोई सही बात नहीं है। मैं बताता हूँ सही बात। सिक्योरिटी कैमरे लगवाए जिन्हें हर वक्त एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऐसे सिस्टम की वजह से ये खुले आम जहाँ जाए वहाँ घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। कार कनेक्शन अब दोस्तों जब इतने भाई ना कारों की बात है शेख भी रईसी से भरे होंगे। मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की सवारियां देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को ही लग्जूरियस गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 से भी ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां इनके घर पर पार्किंग मौजूद है जिनकी कीमत करोड़ों में है। मुकेश अंबानी ने $180 मिलियन का एक प्राइवेट जेट वो तो रणबीर कपूर के पास भी था। बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपनी गाड़ियां प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को खरीदने में लगभग $500 से $600 मिलियन खर्च कर दिए थे। मैं जान गई मैं तो हम जब इस बात से तो वाकई अंबानी साहब के मामले में इनकी बराबरी करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये भी गाड़ियों के शेख भी पीछे पीछे हैं। शेख भी पीछे पीछे महंगी गाड़ियां 100 में से भी ज्यादा गाड़ियों के मालिक शेख राशिद की ज्यादातर गाड़ियां सोने से लदी हुई सोने की गाड़ियां में आ गई। शेख के शौक कस्टमाइज गाड़ियों पर खत्म नहीं होते। ये तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च कर अपनी मनपसंद नंबर प्लेट की अपनी गाड़ी। यार हम कितने सौ साल की लेंगे अच्छे अगर हमें ये गलत वीडियो देख रही हूँ मैं बहुत गलत वीडियो यॉट सबसे महंगी यॉट में से एक है। इसके अलावा इनके पास मशहूर दुबई यॉट भी है और इसमें वो सारी फैसिलिटीज मौजूद है। पीछे शादीशुदा अगर हां पांच छह शादियां हैं शेख की छठी भी कर सकते हैं। वैसे तो इनके पास कई प्राइवेट जेट्स मौजूद है लेकिन दुनिया भर में मशहूर है इनका प्राइवेट जेट जिसकी कीमत लगभग 3650 करोड़ रुपए की 3650 करोड़ सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हवाई जहाज अपने नाम की तरह किसी पैलेस जैसा ही है जिसमें वो सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती है जो किसी महल में होती है। हाउसेस ये सब देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके घर यानी कि महल कैसे होंगे। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है जिसके 6 फ्लोर तो सिर्फ इनकी लग्जूरियस गाड़ियों के पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जिम, थिएटर, हेलीपैड, बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल जैसी कई चीजें इसमें मौजूद हैं और इसकी देखरेख के लिए लगभग 50 लोग मौजूद हैं। मुकेश अंबानी को अक्सर अपने पार्टी पर भी लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते पाया गया है लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है। उनके पास भी 7,000 करोड़ शेख साहब भी कम नहीं है।
और 23 बच्चों के बड़े परिवार के साथ रहते हैं। 23 बच्चे हैं शेख के। शेख हो जाएंगे। शेख को प्रोडक्शन चाहिए। शेर बड़ा पसंद करते हैं। शेर बाकी रईसों की तरह दोनों के पास दुनिया भर में कई प्रॉपर्टीज मौजूद है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की लाइफस्टाइल रईसी से भरी हुई है और ये अपने परिवार पर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इनका एक पहलू ये भी है कि दोनों ही अपनी कमाई से अपने देश के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाओं ये भी पॉइंट मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो इनके बारे में ये सब जानकर आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज के बारे इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक भी करें, लाइक भी करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली जी हाँ जी कौन ज्यादा अमीर लग रहा है आपको, कौन ज्यादा अगर मैं अमीर लग रहा है? अच्छा छोड़ें, कौन ज्यादा अमीर लग रहा है, कौन अगले 10 सालों में ज्यादा अमीर होगा? यार अभी डिफरेंस है ये कि वो एक बिजनेसमैन है और वो एक पैसा कौन डबल करता है बिजनेसमैन? यार ये ना मुझे लगता है ये असल कमाई अभी भी इनके सामने नहीं आ रही, नहीं आई है। और ओरिजिनल मतलब ये, मुझे लग रहा है जितना ये बताया जा रहा है इससे भी कहीं ज्यादा इनके पास। वो तो फिर आगे नहीं बताते ना, सेफ नहीं होता वो बताना। लेकिन नहीं आप देख रहे हैं कि वो ये किंगशिप है, वो बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। किंगशिप कहां से बिजनेसमैन है? ये जो है दुबई के बादशाह हैं, पेट्रोल वगैरह का सारा इनका है। लेकिन वहां पे उन्होंने पता है कितनी जगह वो किया हुआ है, रिलायंस इधर उधर, रिलायंस जियो फलानी कंपनी ये कंपनी, उनकी अगर कंपनियों की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा है इनका। इन्होंने क्या क्या किया होगा, इनके पास एक पूरा दुबई है ठीक है, और वो इंडिया में एक बिजनेसमैन है ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सारी इनकम ये वेल्थ शो कराई कि ये इतनी है। मैं कहता हूँ ये इससे भी चार गुना ज्यादा होगी, ये कम डिक्लेयर्ड है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है? और आपको क्या लगता है? मुझे पता है, मैं सही बात नहीं, आपको क्या लगता है कि हम बहुत गरीब हैं या ये बहुत अमीर है? आई थिंक ये बहुत ज्यादा अमीर है और हम बहुत गरीब हैं। नहीं नहीं हम ठीक है, हम ठीक ठाक है, हम मिडिल क्लास, मतलब ठीक मिडिल क्लास सही होता है। ये नहीं क्या देख देख के इतना ज्यादा क्रेजी नहीं होना होता, बट ये वाकई है। लेकिन अगर अप्लाई मैं शादी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ तो बता। पता चला उसके 23 बच्चे हैं, 31 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, मतलब 23 और 10 10 बच्चे की प्रोडक्शन ज्यादा बच्चे यार, छह मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। बट यार आप वो जो पीछे खड़ा है उसका बेटा है? बेटा है वो उसका? हाँ बेटी है कोई? आप अमीर होना चाहते हैं? नहीं नहीं यार ये सारी शुगल की बातें हैं, होना चाहता कौन यार, सारे अमीर होना चाहते हैं। लेकिन आपने वो देखा है मुकेश अंबानी का बेटा, आपने देखा है? He's very overweight, थोड़ा सा। हाँ तो वो भी बड़ा जिम जिम करके बड़ा सेट हो गया यार, क्या वेट उन देखा, जब पैसा होना तो कोई वेट। उसकी वाइफ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है उसकी वाइफ। तो आप लोग बताएं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। मैं तो इस वक्त ना भी मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, गाड़ियां मैंने देखी और गाड़ियां गोल्ड वाली गाड़ियां। उसके अलावा मुकेश अंबानी साहब ने ये बड़ा मेहनत से बिल्ड किया है, बहुत ज्यादा मेहनत। लेकिन वो उनका इतना मेहनत नहीं होगी, उनको वो जद्दी पुश्ती मिला है क्योंकि वो रूलर ऑफ यूएई हाँ, है। तो वो एक खानदानी किंगशिप चल रही है कि उसका बेटा हाँ, बादशाह फिर आगे बादशाह फिर आगे बादशाह। लेकिन अंबानी के भी वो जो होंगे उनके हाँ, फोर फादर्स वो भी रिच, वो भी रिच ही बिजनेसमैन थे। तो लेकिन ये है कि जो यूएई के किंग हैं इन्होंने यूएई को बदल दिया, इनसे जो पहले थे उन्होंने यूएई पे इतना। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये, मुझे ना पता नहीं गलत बात है या सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अंबानी है ना वो इतने अय्याश नहीं है, ये थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। ये जो अरबी है ना, अरबी यार जब उसका कुंभा खोला है उन्होंने कहा 4-5 22-23 बच्चे बीवियों के अलावा भी। जैसे अब हमने सुना है कि यूएई में बहुत ज्यादा क्लब्स वगैरह क्लबिंग वगैरह नहीं, अय्याशी तो अरबी पूरी फुल यार। वो मुझे लगता है शरीफ है, मोटा भाई है, मोटा भाई है, उन्होंने एक शादी की है, दो बेटे हैं, एक बेटी है, तो वो बड़ी सिंपल सी लाइफ। मुझे लगता है वो वाकई इस तरह के उल्टे सीधे कामों में नहीं है, लेकिन शेख उल्टे सीधे कामों में होंगे लगता है मुझे। लेकिन जो यूएई को इन्होंने बदला है वाकई वो बहुत इम्प्रेसिव है, और जिस तरह वर्ल्ड में उन्होंने इसको मतलब कि सारी दुनिया का बिजनेस इकट्ठा करके एक ही जगह पे वर्ल्ड बिजनेस टाइप इन कुछ चीजों को बना दिया गया है। और अगर उनकी बात करें तो पेट्रोल भी संभाला हुआ है, सिम्स को भी,
फिर मुंबई इंडियन टीम भी, उसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट है, ये तो हमारी सोच से ही बाहर है। जब इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं तो बहुत ज्यादा कम पता चलता है, लेकिन फैले हुए हाथ बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं कितने। हम तो काउंटिंग करते हैं ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हमारा दिमाग चकरा जाएगा और चकरा के फिर जाएंगे। 300 पता नहीं कितने करोड़, हर चीज के साथ एक तो करोड़, मतलब 1000 में नहीं सीधा करोड़, सीधी करोड़, हजारों की बातें नहीं चलती, लाखों की नहीं चलती, सीधी करोड़ों करोड़ों की चल रही है। तो भाई आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मुझे तो, मैं तो इस वक्त थोड़ी सी परेशान हो गई, मुझे तो पता नहीं कुछ कुछ हो रहा है, वीडियो देखने के बाद गलत वीडियो देख लिया। भाई आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कौन ज्यादा आपको अमीर लगता है इन दोनों में से, लाइक करो सब्सक्राइब। मुझे दोनों लगते हैं, लाइक करें शेयर करें, और भैया वो बेल आइकन से क्या हो जाता है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहती है और आप फौरन देख सकते हैं हमारी वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।